ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ रविंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग द स्टूडियो स्टूडियो. सो या वी आर बैक आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. और आज जैसा कि आपको पता ही होगा, हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी की आंसर की या फिर साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं. तो हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. साइकोलॉजी का एग्ज़ाम था 5th को एंड आज आई थिंक कितनी है, आज कितनी है, 7th, 8th, 9th है आज. 3 दिन कैसे निकल गया पता नहीं चला. एनी वे वील स्टार्ट इट. वही दो इंस्ट्रक्शन जैसे हम यूजुअली देते हैं हमेशा, कि नंबर वन, ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, आंसर्स अलग भी हो सकते हैं रियल में. और दूसरा, इसमें हम बस वही डिस्कस करेंगे कि मैंने क्या आंसर लिखे हैं और मुझे क्या लगता है आंसर होने चाहिए. और क्या, बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कर देना, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ को अगर आप ध्यान देने लग गए फिर तो हो गई वीडियो. ठीक है, सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग जल्दी जल्दी, बिकॉज मैं नहीं चाहता ये वीडियो भी 20 मिनट की बने, क्योंकि अब किसी के पास टाइम नहीं है. बाय द वे, लास्ट एग्ज़ाम था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए. वैसे बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए, जितना सोचा था उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छे हुए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले सेक्शन है 1 मार्क क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनरलाइज्ड ऑब्वियसली. सेकेंड क्वेश्चन, इसका आंसर होगा साइकोटिज्म. थर्ड वाला अगेन, इसमें दो आंसर सही हो सकते हैं, क्योंकि द सेल्फ दैट वैल्यूज फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप, उसे हम सोशल सेल्फ भी कहते हैं, फैमिलियल सेल्फ भी कहते हैं, रिलेशनल सेल्फ भी कहते हैं. तो ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी 3 एंड 4 भी हो सकता है. मैंने 5 पेपर दे दिए CBSE के, हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन तो ऐसा था जिसमें 2 करेक्ट आंसर थे. तो इसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हुए CBSE ने इस क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा एक क्वेश्चन रखा ही है. पता नहीं गलती है, जानबूझ कर रखते हैं लोग. तो क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों सही है. अगर आपने बी ऑप्शन किया है 2 एंड 3, वो भी सही है. सी ऑप्शन भी सही है 3 एंड 4. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सम ट्रेट्स ऑफ एन गेट एसोसिएटेड. अच्छा, ये है आपके कार्डिनल ट्रेट्स, ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 5, हमें बताना था इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है अबाउट कोपिंग विद स्ट्रेस. तो इसका आंसर होना चाहिए 3 ओनली, बिकॉज बाकी सब सही है. क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर है एग्जॉशन, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे लिखा था कि हाई ब्लड प्रेशर है ना. हाँ, वॉज डायग्नोस्ड विद हाई ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर तो एग्जॉशन में ही होता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आंसर है अवॉइडेंस. क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट डायथिस स्ट्रेस मॉडल. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 3 आर ट्रू, बाकी दोनों गलत हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सम पीपल आर अनेबल टू प्रिवेंट देमसेल्फ फॉर स्पेसिफिक आइडिया. अच्छा, दिस इज OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 10, इसका है ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिफाइड लर्निंग डिसऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर है बी ऑप्शन, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज, एक मिनट, हाँ, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर जेस्टॉल थेरेपी होगा, मेरा गलत है. मुझे लगा था या तो लोगो थेरेपी होगा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होगा, दोनों ही गलत है. आंसर है जेस्टॉल थेरेपी. क्वेश्चन नंबर 13, आंसर है ए ऑप्शन, बिहेवियरल एनालिसिस के करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी. नहीं, हाँ सही है, इसका आंसर ए है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर है डी, assertion is true, reason is false. क्वेश्चन नंबर 15, आंसर इज सोशल कॉग्निशन. इसे मुझे बहुत सोचना पड़ा था, मुझे लगा था कि शुरू के 3 ऑप्शंस में से कोई इसका आंसर होगा, क्योंकि यही तीनों अच्छे देखने में लग रहे थे, पर मैंने तीनों पढ़े थे और तीनों में से एक भी आंसर नहीं था. तो आंसर ऑप्शन नंबर डी है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, बी एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि बाकी तीनों फैक्टर्स हैं जो एटीट्यूड चेंज में हेल्प करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17, आंसर इज सी, आर्मी जो होती है, आर्म फोर्स, वो सेकेंडरी ग्रुप होती है, क्योंकि वो बचपन से नहीं बनती, उसे हम खुद बनाते हैं अपनी लाइफ टाइम में, और वो फॉर्मल होती है क्योंकि उसमें पर्टिकुलर नॉर्म्स और रोल्स होते हैं सबके. क्वेश्चन नंबर 18, ए ऑप्शन, assertion एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. इसके बाद हम आते हैं सेक्शन बी में, क्वेश्चन नंबर 19, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. आदिल, अ यंग मैन शोज एग्रेसिव एक्शन. अच्छा, ये है आपका कंडक्ट डिसऑर्डर, या फिर जिसे कहते हैं एंटी सोशल बिहेवियर. और 2 अदर टाइप ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर इसमें हो सकता है, वर्बल एग्रेशन, प्रोएक्टिव एग्रेशन, और कौन कौन से थे, 4 तरह के एग्रेशन थे ना. तो एक तरह का एग्रेशन तो वो शो कर रहा है, बाकी दोनों जो रह गए, फिजिकल एग्रेशन, वर्बल एग्रेशन, प्रोएक्टिव एग्रेशन, वो आप लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 20, ए पार्ट तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया इसका आंसर क्या होगा, इसलिए मैंने किया ही नहीं, मैंने नीचे वाला किया है, इसमें और पार्ट.
थैंक गॉड इसमें चॉइस थी। इसका बी पार्ट है नीरव्स पेरेंट्स हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू बैंगलोर एंड हैव बीन बिजी सेटल्ड इन द न्यू सिटी। अच्छा, इसमें बताना था कि कौन सा सोर्स ऑफ स्ट्रेस है, तो ऑब्वियसली ये आपका लाइफस्टाइल है इसमें सोर्स ऑफ स्ट्रेस, और बाकी दोनों सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या हैं वो बताने थे। बाकी दो तरह के सोर्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं, हैजल्स और ट्रोमास, ट्रोमैटिक इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस वो होते हैं जो हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो हमारी डे टू डे फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, और इसका आपको कोई भी एग्जांपल दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 22, सपोज यू आर कॉलेज स्टूडेंट। अच्छा, इसमें था कि हम कैसे अपने पीयर्स का एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, तो इसमें एटीट्यूड चेंज की तीन थ्योरीज थी हमारे पास, POX वाली, कॉग्निटिव डिसोनेंस वाली, और एक टू स्टेप थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी। तो उनमें से आई थिंक जो मैंने लिखी है वो होनी चाहिए टू फैक्टर थ्योरी, क्योंकि वही हम यूज़ कर सकते हैं फॉर आर पीयर्स। हम ऐसा कर सकते हैं कि वो हमें आइडेंटिफाई कर लें एज देयर सोर्स, और वो बन जाएंगे टारगेट, और फिर जब हमारा बिहेवियर चेंज होगा, अगर हम इंडियन गुड्स को खरीदेंगे तो वो भी इंडियन गुड्स खरीदने लग जाएंगे। बाकी हो सकता है इसका कोई और हो, POX तो नहीं हो सकता इसका। आई थिंक इसका कॉग्निटिव डिसोनेंस भी आप लिख सकते हो, उसमें भी शायद मार्क्स मिल जाएँ। क्वेश्चन नंबर 23, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। ये तो बहुत सिंपल है, इन ग्रुप मतलब हमारा ग्रुप, आउट ग्रुप मतलब दूसरों का ग्रुप। इसमें आप एग्जाम्पल भी दे सकते थे, इसमें आपको दो डिफरेंसेज एटलीस्ट आई थिंक लिखने चाहिए। देन आता है सेक्शन सी, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 24, रियान एंड शरीन आर सिबलिंग्स ब्रॉट अप इन द सेम एनवायरनमेंट। अच्छा, रियान जो है वो मैथमेटिक्स के फॉर्मूला याद कर पाता है पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, और शरीन जो है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेती है। तो इनकी इंटेलिजेंस देखो, जहाँ तक मुझे लगता है इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस है, जिसमें जो रियान है उसके पास लेवल वन है एसोसिएटिव लर्निंग, जिसमें इनपुट और आउटपुट ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब कि वो याद कर पा रहे हैं फॉर्मूले इसको, रोट लर्निंग टाइप। और शरीन के पास है लेवल टू, यानी कि क्या थी लेवल टू, जिसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आती हैं, जिसमें इनपुट को प्रोसेस करके एक इफेक्टिव आउटपुट देते हैं हम। तो हो सकता है कि यहाँ पे वो हो, तो इसका जो अप्रोच होगा वो होगा साइकोडायनेमिक अप्रोच, या फिर अगर यहाँ पे हम वो वाला लगाते हैं पास मॉडल ही है ना, हाँ, तो नहीं, ट्रायार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस अगर हम यहाँ लगाते हैं, तो उसमें जो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस थी, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के तीन टाइप्स थे, एक था वो नॉलेज एक्विजिशन कॉम्पोनेंट, तो जो रियान है उसके पास नॉलेज एक्विजिशन कॉम्पोनेंट है और बाकी दोनों कॉम्पोनेंट है नहीं, और श्रीन के पास जो है बाकी के दोनों भी है, यानी परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट और मेटा कॉम्पोनेंट। तो आप इस तरीके से भी इस आंसर को लिख सकते हो, लेकिन उस केस में जो अप्रोच होगा वो चेंज जाएगा, वो जाएगा इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। अब आई डोंट नो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बट आई थिंक ये दोनों आंसर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन एनी थ्री साइकोलॉजिकल मॉडल्स टू अंडरस्टैंड मेंटल डिसऑर्डर। कोई भी तीन आप लिख सकते हैं, आई थिंक बुक में चार दिए हुए, एक है आपका बिहेवियरल मॉडल, एक है आपका कॉग्निटिव मॉडल, एक है आपका साइकोडायनेमिक मॉडल, और एक है ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल मॉडल। कोई भी तीन मॉडल को आप एक्सप्लेन कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 26, एन इंडिविजुअल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मे बी कॉन्ट्ररी टू हिज और हर बिहेवियर जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑफ एविडेंस। पता नहीं इसमें क्या लिखा था, मैंने नीचे वाला किया है, नीचे वाला था वैल्यूज एंड बिलीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम एटीट्यूड। तो हमें तीनों की डेफिनेशन देनी थी और तीनों के एग्जांपल देने थे। एटीट्यूड वो होते हैं जो हमारे व्यूज होते हैं किसी पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के बारे में, इसका आप कोई भी एग्जांपल दे सकते थे। वैल्यूज होती हैं जिनमें शुड और ऑट एस्पेक्ट आ जाता है, और बिलीव्स होते हैं कॉग्निटिव पार्ट ऑफ एटीट्यूड, जो जिस पे कि एटीट्यूड स्टैंड होता है, विच फॉर्म्स द ग्राउंड ऑन विच एटीट्यूड स्टैंड्स, जैसे बिलीव इन गॉड वगैरह आप एग्जांपल दे सकते थे। वैल्यूज़ होती है मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आपको ग्रुप और टीम के बीच में डिफरेंस बताना, जो क्लियरली दिए हुए थे बुक में, है ना, एक में लीडर होता है, एक में ग्रुप मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, ऐसे दिए हुए थे डिफरेंसेस बुक में, तो ये तो बहुत डायरेक्ट था। देन सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 28, डिस्क्राइब द मॉडल दैट सेज द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स थ्री इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स। इसमें था आएगा आपका वो पास मॉडल, है ना, इसमें आपको पास मॉडल को एक्सप्लेन करना था। देन इज और पार्ट द कल्चर, इसमें आपको बताना था कि कल्चर और इंटेलिजेंस कैसे लिंक्ड है, कैसे इंटेलिजेंस कल्चर पर डिपेंड करती है, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह। फिर क्वेश्चन नंबर 29, इसमें आपको कार्ल यंग्स की पर्सनैलिटी थ्योरी एक्सप्लेन करनी थी, वो एम्स एंड एस्पिरेशन वाली। और यहाँ पे जो रीज़न है कि एंगजाइटी डेवलप हो रही है चिल्ड्रन में, वो आई थिंक रीज़न हो सकता है कि आर्कीटाइप्स की वजह से, प्राइमोडियल इमेजेस जो थी, क्या कहा था उन्होंने, कलेक्टिव अनकॉन्शियस में कुछ आर्की टाइप्स होते हैं, प्राइमोडियल इमेजेस होती हैं, ऐसा हो सकता है कि उन चिल्ड्रन में ऐसा हो रहा हो, वही आपको उस पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करनी थी।
क्वेश्चन नंबर 30 टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। हाँ, इसमें हमें लाइफ स्किल्स बतानी थी, जो आपकी इतनी सारी लाइफ स्किल्स दी हुई थी उनमें से कोई भी चार एक्सप्लेन करनी थी, और पार्ट में आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जो इतनी सारी दी हुई थी उनमें से कोई भी चार एक्सप्लेन करनी थी। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। देन क्वेश्चन नंबर 31, एन 18-year-old चाइल्ड शोज एग्रेसिव एंड डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर इन क्लास, एज स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी विच टेक्निक वुड यू सजेस्ट। तो इसमें जो टेक्निक्स दी हुई हैं आपकी बुक में इतनी सारी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, बिहेवियर चेंज करने की, बिहेवियर थेरेपी वाली टेक्निक्स, जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, एडवर्सिव कंडीशनिंग, फिर डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, कुछ भी यूज़ कर सकता है। उसके बाद सेक्शन ई, 6 marker क्वेश्चन। इसमें आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़े हुए थे। इसका और पार्ट तो वही है कि आपको बताना है कि उन मैकेनिज्म्स कहते क्या, उन्हें कहते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स, और आपको चारों एक्सप्लेन का पांचों एक्सप्लेन करने हैं, जो थे प्रोजेक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रिप्रेशन, डिनाइल और रेशनलाइजेशन। उसके बाद ऊपर वाला पार्ट में आपको आपके सारे के सारे वो क्या अप्रोच, टाइप अप्रोच आपको सारे के सारे एक्सप्लेन करने थे, जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं सारे। यू कितने सारे दिए हैं, शेल्डन वाला, फ्राइडमैन रोजनविन वाला, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। इसके बाद एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, फिर यंग वाला, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, फिर वो त्रिदोषास, त्रिगुणास, और क्या था एक और था ना, हाँ वो ह्यूमरल अप्रोच वाला, जिसमें ह्यूमर्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स। देन कम सेक्शन एफ, जो कि केस स्टडी है दो। पहली केस स्टडी में आई थिंक जो डिसऑर्डर है वो है इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, और इसे डिस्टिंग्विश करना था आपको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से। और बी पार्ट है, व्हाट आर द सिम्टम्स दैट मोहसिन इज एग्जिबिटिंग डिफरेंट फ्रॉम अ सीवियर फॉर्म ऑफ दिस डिसऑर्डर। तो सीवियर फॉर्म जो होता है, जैसे चार कैटेगरीज होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। तो आपको बताना था कि अगर सीवियर इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी है तो इससे कैसे डिफरेंट है, या उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं। तो मैंने ऊपर वाला किया था, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोहसिन डिसऑर्डर व्हाट डू साइकोलॉजिस्ट रेफर टू। आई थिंक वो आई क्यू को रेफर करते हैं, आई क्यू का जो कर्व आता है उसको रेफर करते हैं इन डिसऑर्डर्स को क्लासीफाई करने के लिए, इन टू whether it is intellectually deficient or intellectually gifted. Then last case study jo thi aapki, question number 35, Shrikant has ability to modify, adopt and select the environment, to definitely was kaun si intelligence hai, and by theory of intelligence, to kaun si theory of intelligence aayegi isme, wali triarchic theory of intelligence, to aap use thoda sa explain kar sakte the. Aur 36 mein bataya bola hai ki multiple theory of intelligence mein se iske paas kaun si intelligence hai, to he has the kaun si इंट्रापर्सनल वाली इंटेलिजेंस के पास है, और उसे उस इंटेलिजेंस को हम ब्रीफली डिस्क्राइब करना था, ठीक है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ओन डिज़ायर मोटिव्स वगैरह, और किन के पास ये हाई होती है, स्पिरिचुअल लीडर्स वगैरह में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है, आपको ऐसी ब्रीफली एक्सप्लेन करना था। या सो दैट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजी पेपर, दैट्स ऑल अबाउट बोर्ड एग्जाम्स के पेपर डिस्कशन ख़त्म। आई होप आपको हेल्प हुई होगी इससे, नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, देख ली होगी वीडियो। एंड आई होप आपका साइकोलॉजी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा, आपके सारे बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए होंगे, मतलब अभी भी सबके कोई ना कोई एग्ज़ाम्स हैं, मतलब CUET एंड कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपको देना है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग, एंड या आई होप यू लाइक द वीडियो। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी कोई करता नहीं है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग एंड बाय।